अभी मैं देख रहा था वो पता नहीं मॉर्निंग शो में जो नाच रही है औरत बेगैरती वाला डांस, जो आजकल लोगों की आइडियल बन गई है और जो कमर्शियल्स उसको मिल रहे हैं, जो ब्रांड्स राबता कर रहे हैं, हम तो किसी ब्रांड ने राबता नहीं किया कि आप इतने लोगों को बढ़ा रहे हो भाई, हम अपने लैपटॉप दे देते हैं, हम इतने वो दे देते हैं, किसी ब्रांड ने, आम लोग ही राबता कर रहे हैं। कोई शख्स नॉर्मल आ जाता है, उसने बोला 50,000 रुपये मुझसे ले लेना लाइब्रेरी के लिए, एक ने बोला मुझसे 4,000 किताबें ले लेना, किसी ब्रांड ने राबता नहीं किया। ब्रांड किसको राबता कर रहा है? बेगैरती वाली औरतों को बस। हर बंदे यही बोलता है शुरू में कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, 3 महीने बाद वो पैसे लेना शुरू कर देता है, 30,000 फीस है, 1,00,000 फीस है, तो क्या आप भी यही काम शुरू करेंगे? नहीं तो पैसे लेके मैं क्या करूंगा, पहले ही तो बताएं क्या घर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा भाई, प्रायोरिटीज ये नहीं है। अगर घर गाड़ी बंगला बनाना होता तो हम कर रहे होते ना, वो जो सब कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते, वो जो आजकल लोग देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या, अब मैं क्या बोलूं, मेरे बच्चे हर चीज देख रहे हैं, हर चीज जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल है। बस ये है कि हम इंटरनेट पे आके छिचोरापन नहीं करते भाई कि ये देखो मेरी बीवी तैयार हो रही है या मेरे बच्चे नाच रहे हैं, ये काम नहीं करते। हमारे ना मजहब में ना हमारे माशरे में ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है, कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं, करने दो उनको, सब चीजें नजर आएंगी, आवाम जो है एक वक्त तंग हो जाएगी इनसे, और हो रही है ना, गालियां तो पड़ती है रोड पे, निकलते हैं वो ब्लॉगर जो है उनको कोई पता नहीं आवाज देके भाग जाता है, फिर बोलते हैं हसन भाई आपने उनकी तरफ इशारा किया, अबे पूरी दुनिया इशारा कर रही है, मैं अगर बोल देता हूँ सच तो आग लग जाती है आपके, बना रहे हैं वो फेक आईडीज मेरे नाम की, गालियां लिख रहे हैं लोगों को मैसेज करके, दो गालियां बनाओ फेक आईडीज, कोई मसला ही नहीं, बनाओ है। हसन भाई पब्लिक तो ये कह रही है कि आप 1,000 रुपए ले रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं और मतलब पढ़ाई के नाम पे मंजन बेच रहे हैं। कौन है, कहां है ये पब्लिक जो आपसे कह रही है, मुझसे नहीं कह रही, अगली बार बोलिएगा हसन भाई के साथ चलते हैं और ये जगह दिखाइएगा, बराबर वाली जगह ले लिए, एस्टिमेट ले, ठेकेदार को बुलाएं, 45,00,000 रुपए का एस्टिमेट देके गया है, तीसरी जगह लेने जा रहे हैं क्योंकि कराची के लोग पढ़ना चाहते हैं, वो बेगैरती वाला डांस नहीं देखना चाहते। हसन भाई आपको ही ख्याल क्यों आया, कराची के काफी व्लॉगर हैं तो उनको भी तो चाहिए थे कि वो आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बनाने में मसरूफ है आजकल, वो 4 किसी के फॉलोअर भी बन जाते हैं, वो अपना टी शर्ट का ब्रांड लॉन्च करता है, वो पता नहीं अपनी कोई परफ्यूम लॉन्च कर देता है। हसन भाई आपने भी तो हसन बेग फाउंडेशन बनाया है। हाँ तो क्या किस लिए बनाया है, क्या कर रहा हूँ इसमें मैं, क्या कर रहा हूँ बताए तो, आपने अभी 4 लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए, बंद कर देता हूँ, वो कहाँ पढ़ेंगे बता दो, दे सकता हूँ 25,000-30,000 रुपए, अभी आप मुझे बोल लेते 8 लोग मेरे मोहल्ले के आएंगे, पता नहीं किस सपोर्ट वालों के साथ किया था, तो चले जाए ना उनके पास, ये रजिस्ट्रेशन ये सारी फाउंडेशन ही किसके लिए बनी है, मेरे लिए नहीं बनी, सही है ये आपके लिए बनी है, आपको आसानी पैदा कर रहे हैं, आपके दोस्त वो जो खड़े हुए देख रहे हंस रहे हैं ना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो आपके पास कितने लोग आए अभी तक, मतलब एक हफ्ता हो गया? आ रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी पता नहीं बच्चा बता रहा था कि कितनी 3,000-2,500 रजिस्ट्रेशन हो गई है, आ रहे हैं कराची के लोगों को पढ़ाएंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे कि होटल पे बैठ के आप पत्ते खेलते रहे या लूडो खेलते रहे, नहीं नहीं कराची के लड़कों को पढ़ाएंगे, जगह दे रहे हैं, कराची का लड़का पढ़ना चाहता है उसके पास जगह नहीं, अभी वो देख रहा था ना, मैंने देखा था वो जो यहाँ पे काम करना है मिस्त्री, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, किसने किस चीज़ में करवाई है, वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, सर ऐसे काबिल लड़के हैं, सिर्फ क्या है वसाइल की कमी, हम दे रहे हैं वसाइल, देखिएगा आप लाइब्रेरी वगैरह जब बनेगी, इनक्यूबेटर बनेगी, आप खुद तारीफें कर रहे होंगे। तो मतलब हसन भाई यहाँ पे आप क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, ई कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, हर चीज पढ़ा रहे हैं, मंजन नहीं बेच रहे हम ना कि वो 3 महीने में पता नहीं क्या लाखों रुपए कमा लेंगे, इतने डॉलर कमा लेंगे, इतने पैसे दें, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम दे रहे हैं।